खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। फिल्म हॉर नो के प्लीज में अभिनेत्री तनुश्री दत्ता द्वारा अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद आइटम गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री राखी सावंत भी मैदान में कूद पड़ी है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के गाने की शूटिंग के दौरान तनुश्री दत्ता पर ड्रग्स लेकर गाड़ी में 4 घंटे तक पड़े रहने का आरोप लगाया है। राखी ने कहा कि यह पूरा पब्लिसिटी स्टंट है, वह केवल बिग बॉस में आने के लिए यह सब कर रही है। ये अंदर डोप है, ड्रग्स है, भगवान जाने क्या लिया हुआ था। फुल हाई थी, दरवाजा खोल नहीं रही थी, उसका मेकअप मैन भी दरवाजा ठोक रहा था, वैन वाला भी अंदर से चारों लॉक लगा दिया। हालांकि वैन वालों को अंदर कुछ एक मिडल में ग्लास लगाना चाहिए, ऐसा कोई आर्टिस्ट अपने आप को लॉक कर दे तो तोड़ के अंदर जा सकता है। लेकिन ये 5 घंटे तक बाहर ही निकली नहीं, अंदर से लॉक कर दिया। ये ड्रग लेके 4 घंटे सो गई थी। जब आप ड्रग लेते तो कोई इंसान डांस नहीं कर सकता, वो पता नहीं अपने आप में ही रहता है। हे, इसका ब्लड चेक कब करा मीडिया वालों? इसका 3-4 महीने का रिपोर्ट निकालो। आई एम टेलिंग यू, राखी सावंत ये भारत छोड़कर चली जाएगी, इसका ब्लड चेकअप कराओ। आपको बता दें कि तनुश्री ने साफ शब्दों में कहा है कि आज से 10 साल पहले फिल्म हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनके साथ बदसलूकी और गंदी हरकत की थी। तनुश्री के इस बयान पर जहां बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है, वहीं दूसरी ओर नाना पाटेकर ने इन सारे आरोपों का खंडन करते हुए तनुश्री दत्ता को ही झूठा बोल दिया है। खबरदार की रिपोर्ट।